ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में रहने वाले एक पीड़ित व्यक्ति ने ग्वालियर आईजी ऑफिस पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई। इस व्यक्ति का कहना है कि एसडीओपी विवेक शर्मा उन्हें बेवजह पुलिस केसों में फंसा रहे हैं। एसडीओपी विवेक शर्मा से पीड़ित संदीप श्रीवास्तव नामक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि पुलिस के साथ मिलकर कुछ लोग उन्हें झूठे मामलों में फंसा रहे हैं। इन्होंने न्याय की गुहार के लिए संबंधित थाना प्रभारी, एसडीओपी, ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर के आईजी, डीआईजी सहित भोपाल में डीजी रैंक के अधिकारियों तक अपनी बात निष्पक्ष जांच के लिए पहुंचाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस व्यक्ति की कहीं भी सुनवाई नहीं हुई तो ये एक बार फिर ग्वालियर में आईजी के यहाँ अपनी अर्जी लगाने पहुंचा। समस्या ये है, एसडीओपी मुझ पर लगातार झूठे आरोप लगाता जा रहा है, जो कहीं से कहीं तक जो मैं उन आरोपों से मैं सम्मिलित नहीं हूँ जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं। मुझ पर दहेज हत्या का मामला दर्ज हुआ, जब मेरे बच्चे की शादी ही नहीं हुई तो किस चीज़ की दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया सन 2023 में 22 जून को एसडीओपी विवेक शर्मा के द्वारा। फरियादी उसमें मुकेश राजौरिया, वो परवेंद्र गोरपड़े का रिश्तेदार है कोई, तो इन्होंने जो है झूठी कार्रवाई की जिसमें एसडीओपी दूसरे एसडीओपी के द्वारा एफआईआर लगाई गई। मैं उससे फ्री हुआ जब तक दूसरे एसडीओपी जेई आ गए विवेक शर्मा वापस, इन्होंने मुझ पर दोबारा जो है कायमी की और मेरे खिलाफ और तो और ये किसी महिला से झूठे 164वें कोर्ट में बयान करवा दिए। मैं ये चाहता हूँ एक तो जो मुझ पर आरोप लगे हैं उसकी कोई वरिष्ठ और ईमानदार अधिकारी से जांच कराई जाए और साथ ही साथ एसडीओपी विवेक शर्मा जैसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मोटरसाइकिल चोर है, इस पर 14 एफआईआर दर्ज हैं जिसमें दतिया, डबरा, ग्वालियर तीनों जगह एफआईआर हैं दर्ज हैं। इसके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं करती है, वो चाहे किसी को आरोपी बना के थाने में दलाली करता है या एसडीओपी के लिए बढ़िया संबंध है। बर्थडे में जो है फोटो दिखा रहा हूँ मैं, फोटो बर्थडे में उसके साथ फोटो है, उसके घर बर्थडे मनाने गया है एसडीओपी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता में जांच की जाए, किसी ईमानदार अधिकारी के द्वारा जांच कराई जाए। अभी तक मैं आवेदन सीएम हाउस दे चुका हूँ, ये डीजीपी साहब को भी दे चुका हूँ, आईजी साहब को भी दे चुका हूँ, एसपी साहब को भी दे चुका हूँ और डीआईजी मैडम को भी भेज चुका हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।